हेलो एवरीवन, एनआर हिंदी सेक्रेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरी आज की स्क्रिप्ट चिल्ड्रंस डे के ऊपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आकाश से सिमट कर, हवाओं से लिपट कर, खुशियों का कारवा लेकर इतने सारे सितारे किस ओर बढ़े जा रहे हैं, किस महफिल में अपनी रोशनी बिखेरने जा रहे हैं। अरे आपको नहीं पता, आज का दिन बहुत खास है। आज तो वो दिन है जिसका हर बच्चे को रहता इंतजार है। सितारे भी बजाते जिसके लिए सितार है। नन्हे नन्हे कदमों से होता खुशियों का इकरार है, क्योंकि चिल्ड्रंस डे बच्चों का सबसे पसंदीदा त्यौहार है। पता है बच्चों, चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है और इस दिन किसे याद किया जाता है? चिल्ड्रंस डे चाचा नेहरू की स्मृति में मनाया जाता है, जिसका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, पर बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर ही पुकारते थे। बच्चों के ये सबसे प्रिय थे और चाचा नेहरू को भी बच्चे बहुत प्रिय थे। चाचा नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और बच्चों की शिक्षा में इनका योगदान बहुत सराहनीय था। आओ एक खूबसूरत सी सुबह की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। या उपस्थित सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं। चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम का सुंदर सा आगाज करते हैं और इस दिन को बच्चों के लिए और खास बनाते हैं। अ वार्म वेलकम टू रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑल माय टीचर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं सरस्वती वंदना के लिए चिलमिल और ग्रुप को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। दीप प्रज्वलित हुए हुआ नया सवेरा है, विद्यालय का प्रांगण रोशनी से हुआ उजियारा है, झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, पधारे गए अतिथियों को हमारा सत सत अभिनंदन है, हमारा सत सत अभिनंदन है। अब मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो स्टेज पे आए और विद्यार्थी को आशीर्वचन रूपी शब्दों से अनुग्रहित करें और बच्चों का मनोबल बढ़ाए। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों की टोली जो हमें चाचा नेहरू की याद दिलाएगी और उनकी स्मृति को और यादगार बनाएगी और अपने नन्ही नन्ही कदमों से कार्यक्रम में चार चांद लगाएगी, तो स्टेज पर आमंत्रित हैं खुशबू एंड ग्रुप। उसके बाद आप बोल सकते हैं थैंक यू खुशबू एंड ग्रुप, जो होते दिल के पास और होते हमारे सबसे खास। बच्चों से ही होता है घर संसार और बच्चों से ही होता है विद्यालय का सार। छिपी होती है उनमें कई प्रतिभाएं, हुनर की होती है उनमें कई रेखाएं, हर बच्चा होता है थोड़ा अलग, बस भरने होते हैं उनमें कई किस्म के रंग, ताकि उनकी प्रतिभा को मिलता रहे निखार, क्योंकि भविष्य का करेंगे यही तो सफल निर्माण, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निक्की और ग्रुप को स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद बोल सकते हैं थैंक यू निक्की फॉर द ग्लोरियस परफॉर्मेंस। प्रोग्राम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टेज पर उस टोली को आमंत्रित करना चाहती हूँ जो अपने नन्ही नन्हे कदमों से स्टेज पर रंग बिखेरने आ रहे हैं। तो आमंत्रित है सिद्धार्थ एंड ग्रुप। अब बच्चों के लिए एक छोटी सी कविता जो सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। नित्य सवेरे उठना सीखो, मात पिता को नमना सीखो, मुख से बोलो हे भगवान, हमको दे दो सच्चा ज्ञान। इस बीच में कार्यक्रम के बीच में आप कुछ गेम्स भी खिला सकते हैं ताकि बच्चों में उत्साह और उल्लास भरा रहे। कार्यक्रम के अंत में मैं कुछ लाइंस कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। नन्हे नन्हे कदमों से नई उमंग लाता है और कंधे पे बस्ता थामे विद्यालय चला आता है, गले में बॉटल डालकर और चेहरे पर मुस्कान लेकर पूरे विद्यालय के प्रांगण को खुशी से महकाता है, इठलाते हुए थिरकते हुए अपने कदम आगे बढ़ाता है, अपनी कक्षा की तरफ निरंतर बढ़ता चला आता है और प्रार्थना कर नई ऊर्जा लेकर आता है
और विद्यालय में शिक्षा का पाठ पढ़ता है और विद्यालय में शिक्षा का पाठ वो पढ़ता है। आर्ट चिल्ड्रंस डे पर बच्चों को ढेर सारी बधाइयाँ देती है और यूँ ही आगे बढ़ते रहे और यूँ ही मुस्कुराते रहे, बस यही कामना करते हैं, बस यही कामना करते हैं। थैंक यू।